चलिए अब आपको वोटिंग के और ताजा हाल दिखाते हैं और इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैनपुरी से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीरेश, हमने देखा आपने सिलसिलेवार तरीके से सुबह से जब से वोटिंग शुरू हुई तमाम तस्वीरें दिखाई और जो स्टालवर्ट्स हैं राजनीतिक दलों के उन सबसे आपने बात भी की। सुबह के 10 बज चुके हैं, 3 घंटे हो चुके हैं वोटिंग के, क्या आपको नजर आ रहा है वहां पर? देखिए राजेंद्र, अगर हम बात करें तो मैं इस वक्त अखिलेश यादव के घर के सामने खड़ा हूं और इंतजार हो रहा है कि अखिलेश यादव 10 से 15 मिनट के अंदर अपने पूरे परिवार के साथ, प्रत्याशी डिंपल यादव के साथ मतदान के लिए जाएंगे। जो फ्लिट की गाड़ियां हैं वो सज चुकी हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो रण सजा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो बहुत ही भीषण है। वाकई पहली बार अगर आप कह सकते हैं कि मैनपुरी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मजबूती के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही है, इसका असर पूरे सैफई परिवार पर देखने को मिल रहा है। चिंता की लकीरें उनके पेशानी पर साफ झलक रही हों, चाहे वो रामगोपाल यादव हों, शिवपाल यादव हों, चाहे धर्मेंद्र हों, चाहे अखिलेश हों, चाहे डिंपल हों, पूरा ऐसा कुनबा है जिसके पेशानी पर पूरी तरीके से बल पड़ा हुआ है। मैं जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव से बात कर रहा था तो उस वक्त वो ऑब्जर्वर से बात कर रहे थे, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात कर रहे थे। आज की रात पूरे सैफई परिवार सोया नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच खड़ा रहा है। कारण कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस बार मैनपुरी के किले को, गढ़ को ढहाने की कोशिश की है, हर वो तरीका जो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से उठा सकती थी वो उठाई है। यानी लोगों के बीच में घुसकर मुख्यमंत्री के दो भाषण हुए, दो रैलियां हुई, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जिस तरीके से यहां चुनाव हो रहा है वो बहुत कठिन चुनाव है, कोई आसान चुनाव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कठिन चुनाव है, आपने सही कहा। और लगातार हम बिल्कुल आपने जो पेशानी पर बल की बात कर रहे हैं वो भी हम चेहरे देख रहे हैं वीरेश, और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, और चेहरा जो है वो आईना होता है वीरेश, चेहरे पर बहुत कुछ लिखा होता है और इस वोटिंग का हाल भी नेताओं के चेहरे पर लिखा हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पेशानी पर बल की जो आपने बात कही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।